विकासखंड कुंडम के ग्राम सरौली हरेटीपुर गांव में एक लाइट की समस्या के ऊपर मैंने एक मुद्दा वीडियो बनाया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कुंडम विकासखंड के अंतर्गत सरौली हरेटीपुर गांव है, जो कि विकासखंड से 7 किलोमीटर दूरी पर है। यहां पर 27/2/2014 को एक भयानक तूफान से बिजली के पोल गिर चुके हैं। बच्चों का परीक्षाएं चालू है, पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है। आपके गांव में लाइट नहीं है? लाइट है पर बिगड़ गई है। कितने दिन हो गए? 1 महीने हो गए। आपको परीक्षा की जो तैयारी करती हो तो इसमें परेशानी नहीं होती? होती है तो क्या करें, परीक्षा है तो पेपर तो दे नहीं है। गांव के सरपंच सचिव के द्वारा 2/3/2014 को विद्युत विभाग में आवेदन दिया गया और फोन पर लगातार बातचीत हो रही है विभाग से, लेकिन आजकल करके टाल दिया जाता है। और मुद्दा वीडियो बनाने के बाद मैंने ठान लिया कि इस लाइट की समस्या को हल करवा के ही रहूंगी, क्योंकि बच्चों की जो परीक्षा की तैयारी जो प्रभावित हो रही थी 27 मार्च 2014 को, यह विद्युत विभाग के द्वारा ये लाइट ठीक किया गया। यह बदलाव मैं विद्युत अधिवक्ता अधिकारी सिंह जी को बार बार फोन कर यह बदलाव ला पाई हूँ। महाशिवरात्रि वाले 27 तारीख को जिसमें बिजली का पोल गिरे थे, जिससे लाइट के खंभे टूट गए थे, बच्चों को परीक्षा में समस्या जा रहा था, जिसके द्वारा मैडम जी को हमने जो भी बताया उनके द्वारा अधिकारियों तक बात गया, अधिकारियों ने पूरा काम कराया और लाइट चालू की गई है। मैडम जी के कृपा से इनने अच्छा अपना कार्य कराया, उनको हम धन्यवाद के पात्र हैं। आपके यहाँ जो लाइट की समस्या थी वो क्या लाइट ठीक हो गई है? हाँ, 27 तारीख को चालू किए हैं बल्ली कराकर। अब कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। आपने जो जी को फोन किया है, उनके द्वारा फिर यहाँ स्टाफ को पूरा सक्रिय करके भेजा गया, भेजने के बाद वो लाइन चालू करवाई गई। चूँकि खम्भे उपलब्ध नहीं थे उस समय, इस वजह से खम्भे नहीं लगा पाए। आज की तारीख में खम्भे तो उपलब्ध हैं, जैसे ही साधन बनता है वहाँ खम्भा ले जाने का, तो खम्भे लगा करके वो लाइन विधिवत कर दी जाएगी। वो मेरा मानना है कि बार बार आकर अगर कोशिश करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। मैं सरोज परस्ते, ग्राम सरौली हरेटीपुर विकासखंड कुंडम जिला जबलपुर मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।